कक्षा 9 प्रश्नावली 12.1 प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न में दिया है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी है, चित्र के अनुसार जो दिख रही है। इसकी पार्श्वी दीवारें यानी बाहर की साइड है, एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। पार्क को यहाँ लिखा है हरा भरा और साफ रखिए, और इसकी भुजाएं दी हैं 6 मीटर, 15 मीटर और 11 मीटर। ये इनकी भुजाएं दी हैं, मीटर सेंटीमीटर नहीं, मीटरों में दी भुजाएं। इसी प्रकार से जी मिस्टेक लिखा तो मीटर में भुजाएं दी। तो यहाँ हम माना कि ए बराबर 6, बी बराबर 11 मीटर मानते हैं और सी बराबर 15 मीटर। अब ये भुजा ए नाम दे दिया ये इस कोण को, और इसको बी, इसको सी। कभी भी कोई त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा को जो कोण सी है तो उसकी भुजा ए भी मानी जाएगी, कोण ए है तो उसकी भुजा सम्मुख भुजा होती है, कोण बी की सम्मुख भुजा 11 है। तो इसी हिसाब से ए बी और सी की मान लिया। अब इनको आगे करेंगे तो सबसे पहले एस निकालते हैं हेरोन के सूत्र का उपयोग करने के लिए। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एस बराबर ए 6 मीटर प्लस 11 प्लस 15 अपॉन 2। इन तीनों को जोड़ेंगे 5 × 6 और 6 × 12 दो हासिल एक, तो 2 × 1 = 32/2 तो ये बराबर 16 मीटर ही प्राप्त हुए। अब आगे चलते हैं। अब हेरोन का सूत्र का उपयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उनके सूत्र के उपयोग से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हेरोन का सूत्र या हीरोज सूत्र कहते हैं, हीरोज सूत्र से सूत्र क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सभी अंडर रूट के अंदर होंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर इनके मान रखेंगे तो एस कितना आया, सिर्फ 16 माइनस 6 ए भुजा, बी 16 माइनस बी कितनी थी 11। इसी प्रकार से 16 माइनस 15 ए भुजा। अब चलेंगे आगे, क्षेत्रफल बराबर अंडर 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 और 16 में से 11 घटाएंगे तो 5,
16 में से 15 घटाएंगे एक, अब इनका अंदर गुणनखंड कर देंगे। 16 तो 2, दो 4, 2 में 8, 2 में 16 गुणा 2, 5 10 और गुणा 5, एक कोई जरूरत नहीं है, अंडर रूट। अब ये अंडर रूट की हटाना है, तो जिनमें यदि दो दो के जोड़े बनते हैं तो उसमें से बाहर एक आ जाएगा, एक जोड़ा बना, इसका भी जोड़ा बना, वही पांच पांच के भी जोड़े बने, तो 2 गुणा 2 गुणा 5, और दो ये जोड़ा नहीं है तो इसे अंडर रूट में रखेंगे, 2 बराबर इनके गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 5 20, अंडर रूट 2 वर्ग मीटर, ये हुआ दीवार का क्षेत्रफल। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 3 हल हुआ।